अपने टीचर, अपने डॉक्टर, अपने रोजगार, हर एक चीज के बारे में हम लोगों के सामने पेश हुए। सिरोही जिले के अंदर हमारी सरकार ने 700 करोड़ रुपए की नर्मदा की योजना बनाई थी, जिसमें रेवड़ा तहसील के 40 गांव और उसका कस्बा शामिल था। क्या हुआ उसका आगे बढ़ा? 5 साल निकले भाइयों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब जब अपन पांचवी साल के आखिरी समय पे आपके बीच में आते हैं, तो ये सोच के आती हो कि जो सरकार को आपने काबू ने वोट देने का काम पूरे देश का जो अपन ने सरकार बनाई थी, तो वो सरकार अपनी जनता का कुछ तो सोचेगी और जगह जगह के कुछ न कुछ तो काम करने की बात करेगी। मैं मुझे याद है कि चुनाव तक हम कांग्रेस और बीजेपी, तो चुनाव के बाद मैंने कोशिश की कि राजस्थान के पूरे परिवार को इकट्ठा करूं और उनकी जो भी जायज मुसीबत है उन जायज मुसीबतों को पूरा करने की मैं कोशिश करूँ। कई तरह की जरूरत है तो उसको सड़क का काम, कहीं पीने पानी का काम, कहीं सिंचाई का काम, अलग अलग जगह के अलग अलग काम किए, उनको पूरा करने की अपनी कोशिश की। आपके ही क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने पीछे पड़ के आपका ये पुल बनवा है, इतना अच्छा है। बिजली मिल रही है मेरे यहाँ आके, मुझे अच्छा 4 महीने हो गए, कुछ फर्क हुआ होगा। आजकल सरकारें 4 महीने के लिए काम करती है, हो सकता है कि आपका काम हो गया। 4.5 साल तो तुम पे कर्मचारी नहीं सोए, तो 6 साल ऐसे भागे पड़े पुलिस वालों ने, सब दिन उसमें जाते हो, पानी के लिए लो, बिजली के लिए लो, लुंगी के लिए लो, साइकिल भी ले लो, पेंशन भी ले लो, अरे बताओ क्या चाहिए, वो सब ले लो और वो थोड़े लो। जैसे हम 4.5 साल का कष्ट जो हमने भोगा है वो भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते। एक पुष्पाचारी माता मेरे बिजली में कुछ फर्क हुआ? मेरे को तो ये आवाज जो पीछे से आ रही है लग ऐसा रहा है कि बिजली नहीं है, जनरेटर तो चल रहा है मान। और आने वाले समय के अंदर आप लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम ये मैं पूरा करूंगी। आपके हमारे नौजवान बच्चों, मैंने तभी कहा कि टैप नाम की कोई चीज है, इसके अंदर कांग्रेस ने बहुत अच्छा बच्चों को बचाने का काम कर दिया, या तो बच्चे उसमें फंसे या बच्चे कोर्ट में फंसे। मैं इस सबको कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले भी आप करते थे वैसे टैप का प्रबंधन अलग से करते हुए आरबीएससी के द्वारा हम अपने बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे जिस तरीके से हमने पहले किया। Yeah.
ಕಚೇರಿ.